नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल की नॉलेज पे। क्या जेपी पावर का शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है? क्या जेपी पावर के शेयर में यहाँ से एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है? टेक्निकली जेपी पावर का शेयर कैसा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जेपी पावर में देखेंगे तो कुछ दिन में जो है जेपी पावर के शेयर में एक जबरदस्त तेजी बना है। तो क्या ऐसा अपडेट आया है जिसके चलते जेपी पावर के शेयर में एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है? दोस्तों, अभी जेपी पावर में देखेंगे तो शेयर जो है तेजी बना रहा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जेपी पावर में क्या चल रहा है। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होती है। शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। जेपी पावर का शेयर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन में लगभग 0.8% जो है शेयर रिटर्न दिया है। दोस्तों वही बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते में जेपी पावर के शेयर में 6.8% शेयर डाउन हुआ है। वन मंथ में देखते हैं तो 3.9% के आसपास जो है शेयर डाउन हुआ है। दोस्तों अभी यहाँ पे देखेंगे जेपी पावर का जो बोल सकते हैं कि जो ड्यूरेबिलिटी है, जो कि आप देख सकते हैं 75 है आउट ऑफ 100। इसका जो ड्यूरेबिलिटी जेपी पावर का जो कि 75 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन 80.50 है आउट ऑफ 100। मोमेंटियम 74.30 है आउट ऑफ 100। जेपी पावर का दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो कि बोल सकते हैं कि इसका जो वन मंथ में इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, वन मंथ में जो है इसका शेयर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसने जो वन मंथ में एक हाई प्राइस बनाया है जो कि 20.50 पैसे का है और जो लो प्राइस बनाया है 16.55 पैसे का। वही दोस्तों एक हफ्ते की बात करते हैं, जो हाई प्राइस बनाया है 20.50 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 17.90 पैसे का। तो अभी जेपी पावर के शेयर में देखेंगे तो वो इसका जो है कुछ स्ट्रेंथ है वो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं जेपी पावर को लेके। अभी देखिए जेपी पावर का देखेंगे जो कि एक कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न, जेपी पावर जो शेयर है कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक से ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500 स्ट्रॉन्ग। इसका एपीएस ग्रोथ की बात करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ जो कि हायर देन जो बोल सकते कि सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का मतलब बोल सकते नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है, जबरदस्त नेट प्रॉफिट जंप हुआ है कंपनी का। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो बोल सकते कि यहाँ पे देख सकते इसका जो डेप वगैरह है जो कि कुछ ज़्यादा डेप वगैरह नहीं है इसका। अभी कंपनी का जेपी पावर का वीकनेस को मतलब इसका देखते हैं जो कि कंपनी विथ हाई प्रोमोटर प्लेज। तो अभी यहाँ पे जेपी पावर को लेके जो शेयर में तेजी बन रहा है जेपी पावर के शेयर में और शेयर में जो यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसा चल रहा है दोस्तों? तो देखिए जेपी पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि 12,713.2 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं जेपी पावर के शेयर को लेके, टेक्निकली शेयर दोस्तों जेपी पावर का जो है एक बुलिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहा है ये जो शेयर है एक बुलिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए टेक्निकली शेयर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जेपी पावर का। शेयर होल्डिंग को लेके बात करते हैं दोस्तों, तो जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 24% का स्टेक है। FIS के पास 6.06% का स्टेक है और यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड के पास 0.01% का स्टेक जो है 0.01% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 18.46% का स्टेक है। पब्लिक के पास 51.37% का स्टेक है। तो अभी जेपी पावर के शेयर में तो जेपी पावर में बोल सकते हैं कि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जिसके चलते शेयर में एक जबरदस्त तेजी बना। जेपी पावर का आप देख सकते हैं शेयर प्राइस जो है देखेंगे तो लगभग 31% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जेपी पावर का जो है यहाँ पे देख सकते रीअपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव। तो जेपी पावर जो है यहाँ पे वेंचर्स लिमिटेड रीअपॉइंटेड जो बोल सकते कि इसको जो है रीअपॉइंट किया गया है जो कि सुरेन जैन करके जो है SMD एंड CEO ऑफ फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो सुरेन जैन को जो है यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है जेपी पावर की ओर से एज ए MD एंड CEO 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे सुनील कुमार शर्मा एंड प्रवीण कुमार सिंह हैव ऑल्सो बीन रीअपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वाइल दिनेश कुमार जो यहाँ पे हैज बीन रीअपॉइंटेड। तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव से जो जेपी पावर के हायर मैनेजमेंट है उनमें कुछ चेंजेस किया गया है, बोल सकते कि उसको जो है रीअपॉइंट किया गया है जो MD CEO है उसको और भी ऐसे कुछ हायर मैनेजमेंट के लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको जो है रीअपॉइंटमेंट किया गया है। तो जेपी पावर का जो Q4 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला, जो इसने Q4 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन Q4 24 का जो इसने डिक्लेयर किया था पोस्ट किया था, जहाँ पे कंपनी का देख सकते जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है लगभग 588.79 करोड़ इंक्रीज हुआ है जो कि Q4 24 का। एंड यहाँ पे देख सकते कंपेयर टू ए नेट लॉस ऑफ 43.99 करोड़ इन Q4 23। तो यहाँ पे कंपनी का जेपी पावर का Q4 23 में जो बोल सकते कि कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट था वो लॉस में था, कंपनी जो घाटे में चल रहा था जो कि 43.99 करोड़ जो है यहाँ पे डाउन था।
और वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी को जो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है क्यू 24 फाइनेंशियल 24 में, जो कि 588.79 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अभी कंपनी का शेयर में जो जेपी पावर के शेयर में जो तेज़ी बना, अभी देखिए जेपी पावर को लेके बोल सकते हैं कि कंपनी का जो जेपी पावर के शेयर में जो तेज़ी बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा बहुत एक तेज़ी बन सकता है। बहुत ज़्यादा फिलहाल टारगेट प्राइस जेपी पावर के शेयर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के पास आप देख सकते हैं जो कि 0.08% का स्टेक था म्यूचुअल फंड्स के पास, म्यूचुअल फंड ने जो यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करके 0.10% का किया है दोस्तों। वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉफिट है जेपी पावर का पिछले 3 क्वार्टर का प्रॉफिट देखते हैं, जो कि 68.66 करोड़ से इंक्रीज होकर 588.79 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर क्वार्टर 65.5% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पे जेपी पावर में जो FIS है, FIS के पास देख सकते हैं 5.14% का स्टेक था, FIS ने जो यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करके 6.06% का स्टेक किया है। एंड वही दोस्तों बात करते हैं कंपनी का, मतलब जेपी पावर की, यहाँ पे जो रिटेल शेयर होल्डर्स है दोस्तों, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 50.31% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने जो स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 51.37% का स्टेक किया है। एंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंपनी जो यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हैं जेपी पावर का, तो पिछले 2 क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं जो कि 2.21,000 करोड़ से रेवेन्यू जो है डाउन होकर रेवेन्यू रिड्यूस होकर 1.86,000 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर क्वार्टर जो इसका रेवेन्यू है लगभग 15.8% डाउन हुआ है दोस्तों। तो जेपी पावर के शेयर में अभी जैसे कि शेयर जो प्राइस है लगभग 18 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 18 रुपीज़ 0.50 पैसे ऐसा कुछ तो चल रहा है शेयर। तो अभी यहाँ से अगर देखेंगे तो शेयर के प्राइस में जो है बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए शेयर में। अभी देखिए एक दिन का जो जेपी पावर के शेयर ने जो एक बोल सकते हैं कि लो प्राइस बनाया है जो कि 18.65 पैसे का है दोस्तों, और जो हाई प्राइस बनाया है 18.75 पैसे का। 52 का लो प्राइस देखिए 5.55 पैसे का है, और 52 का जो हाई प्राइस देखिए जो कि 24 रुपीज़ का है। वही दोस्तों बात करते हैं 1 मंथ में जेपी पावर के शेयर में, 1 मंथ में जो इसने बोल सकते कि जो एक रिटर्न दिया है जो कि 0.27% का, ये इसका 1 मंथ का रिटर्न है। 3 मंथ्स में बात करते हैं तो 18.54% का जो है शेयर डाउन हुआ है, और 1 ईयर में देखेंगे तो 210.08% के आसपास जो है शेयर ने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो जेपी पावर का शेयर दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टारगेट प्राइस वगैरह के लिए खरीद के रखा है, तो अभी यहाँ पे किसी ने अगर थोड़ा ज़्यादा टारगेट प्राइस में खरीद के रखा है तो हमें लगता है कि थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अभी शेयर का प्राइस जो चल रहा है 18 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास या फिर 18 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो छोटा मोटा टारगेट प्राइस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल जेपी पावर के शेयर में रखना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल जो जेपी पावर के शेयर में इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने शेयर जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। कंपनी के जेपी पावर के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है उसको रीअपॉइंटमेंट किया गया है। और अगर बात करते हैं दोस्तों टेक्निकली जो है शेयर यहाँ पे एक तेजी बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब टेक्निकली जो शेयर एक स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और वही दोस्तों देखते हैं तो कंपनी मतलब जेपी पावर में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पे अगर देखते हैं तो FIS जो यहाँ पे जेपी पावर के शेयर में स्टेक इंक्रीज किया है, तो हमें लगता है कि यहाँ से छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए जेपी पावर के शेयर में। आपको कैसा लगता है दोस्तों जेपी पावर के शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।